दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। सो दोस्तों, मैं जो घर में थोड़ा सा साफ सफाई कर रहा था एंड देन आई हैव फाउंड दिस वन दिस थिंग। ओके, सो ये देखते हुए मेरे को तुरंत मेरा बचपन की यादें ताज़ा हो गया। ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि व्हाट थिंग्स कीप एनकरेज मी टू डू दैट स्टाफ्स इन दैट साइंस फील्ड। सो मैं आपको बोलता हूँ कि क्या हुआ था। तो ये उस टाइम का बात है जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था। तो 10 में हमारे साइड पे थोड़ा सा साइंस की तरफ पुश करने के लिए ज़्यादा उत्साहित किया जाता था लड़का लोगों को। एंड हालांकि आई एम नॉट फ्रॉम दैट एनी काइंड ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई एम फ्रॉम दैट नॉर्मल सिंपल दैट लोकल मीडियम स्कूल। तो उस टाइम पे कुछ प्रोजेक्ट होता था कि डिस्ट्रिक्ट में कोई बच्चे फर्स्ट आए, कोई बच्चे सेकेंड आए, कोई बच्चे थर्ड आए। तो उस टाइम पे मैंने 200 प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, तो ये है वो वाला प्रोजेक्ट जो मेरे को दोस्तों फर्स्ट प्राइज दिला दिया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो अभी मैं बोलता हूँ कि क्या मामला पानी हुआ था। तो दोस्तों, मैं साइंस की तरफ से बहुत चाहत था। तो हाँ, ये उसी बहुत पुराना एक क्या बोलता हूँ स्मृति है ये, हालांकि कुछ नहीं है, एक जनरेटर जैसा है, बट फिर भी इसके अंदर का स्टोरी है, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको मोटिवेट मिलेगा दोस्तों। तो हुआ यूँ था कि बहुत सारे बच्चे लोग भी तरह तरह के प्रोजेक्ट बना के लेके आए थे। कोई दोस्तों लेके आया था एक बहुत अच्छा सा, मतलब क्या बोलता हूँ, मतलब डेकोरेट करके लेके आया था। कोई पावर स्टेशन जैसा बिल्ड कर रहा था और मैंने सिंपल ये बना के लेके चला गया था। ठीक है, हालांकि दोस्तों मेरे पास इतने ज़्यादा पैसा भी नहीं था, तो इस पर मैं बना के लेके गया था और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। कुछ सर आए थे जो कुछ मतलब प्रोफेसर थे, तो उनको मैं एक्सप्लेन किया था अच्छी तरह से। तो उस टाइम से मेरा कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था और एक्सप्लेन करके और इसको डेकोरेट करके इसको दिखा के इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बता के मैं दोस्तों प्राइज जीत गया था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको सुन के हंसी आएगा दोस्तों, ये असल में बनना क्या चीज़ है। तो मैंने ये बना दिया था, ये देखिए, एक पेन का डंडा में मैं थोड़ा सा ऐसे टेप लपेट दिया था और पीछे दोस्तों ऐसा टेप था और ये था एक मोटर। ठीक है, मोटर से दोस्तों जो डीसी मोटर से डीसी मोटर है, ये जनरेटर की तरह बिहेव करेगा, 12 वोल्टेज का मोटर है। वहाँ पर एक दोस्तों कैपेसिटर है, 16 वोल्टेज का कैपेसिटर और 6800 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। और ये एक था, ये इसको आप बोल सकते हो रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। सो ब्रिज रेक्टिफायर इज़ वन काइंड ऑफ थिंग जहाँ पर आपको एसी टू डीसी कन्वर्ट करके दे देता है। तो ये एक आईसी है, तो हालांकि पहले ये डायोड से होता था, तो आईसी है। तो ये सारी चीज़ मैं पुराना सीआरटी टीवी से, उस ज़माने में दोस्तों सीआरटी टीवी आया करता था, तो उस सीआरटी टीवी से मैं इसको निकल के लाया था और फिर इसको ला के मैं यहाँ पर एक बाल में जोड़ दिया जहाँ पर 3 LEDs था। तो ये मैंने भी लिया था ये सर्किट टॉर्च लाइट से। तो देखने में दोस्तों कितना बोरिंग लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा कहाँ खास नहीं है। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेन बोलता हूँ। देखिए, ये देखिए, हाथ में जब भी इसको मैं ये करूँगा तो ये दोस्तों बल्ब जलेगा। ठीक है, यही है दोस्तों इसका सिंपल सा फंडा। ठीक है, अप एंड डाउन करूँगा तो बल्ब जलेगा। अभी यहाँ पर क्या होता था, ये जो है ये रॉड, ये घूमता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एंड व्हाइल इट इज़ रोटेटिंग इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सो वन एसी करंट इज जनरेटिंग। और ये एसी करंट यहाँ पर जाके दैट एसी करंट इज कन्वर्ट टू डीसी, और डीसी होने के बाद ये दोस्तों ये बल्ब को जलाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। तो मैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन किया था, फ्यूचर में इसका क्या प्रोस्पेक्टिव है, सर वी कैन चार्ज दैट आवर मोबाइल फोन थ्रू दैट, लाइक दिस लाइक दैट। सो बहुत सारी चीज़ मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो हालांकि ये चीज़ होने के बाद मैं इसको फेंक दिया था। आफ्टर ऑल इतना साल के बाद जब मैं इसको घर की कूड़ेदार से या कॉर्नर से मैं इसको जब फाइंड आउट किया, तब मेरे को दोस्तों ये चीज़ तुरंत इसके पीछे का स्टोरी याद आ गया। हालांकि ये चीज़ कुछ नहीं है, मतलब पूरा फ्री का बनाया हुआ चीज़ है, बट ये मेरे को फर्स्ट जिंदगी में प्राइज लग के डाल दिया था। सो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें अगर खुद से हैंडमेड करते हो, सो दैट थिंग्स कीप मोटिवेट यू, कीप फॉरवर्डिंग यू, एंड दैट थिंग विल बी ड्राइव यू इन दैट योर अपकमिंग फ्यूचर। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट ओनली आपके आसपास में कुछ भी चीज़ को आप थोड़ा सा ज़्यादा रिक्रिएट करना स्टार्ट कर दो। कोई भी चीज़ को क्रिएटिविटी आपके अंदर जन्म ले लेगा एंड दैट क्रिएटिविटी विल पुश यू टूवर्ड्स
टुवर्ड्स दैट सक्सेसफुल पर्सन। तो बस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब। हालांकि चैनल का हालत खराब है बट दैट थिंग डजेंट मैटर हियर बिकॉज दैट थिंग इज एक्चुअली दैट चैनल आई एम स्टिल गोइंग दैट चैनल स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज दैट चैनल इज फॉर दैट मोटिवेटिंग पीपल नॉट फॉर अर्निंग मनी। आई कैन अर्न मनी थ्रू दैट डिपेंडेंट सोर्सेज बट नॉट थ्रू दिस चैनल। दिस चैनल इज फॉर दैट मोटिवेटिंग पीपल नॉट दैट पीपल फॉर दैट अर्निंग मनी। सो ओके दोस्तों, नाइस टू मीट यू एंड चलिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर योर बिलव टाइम यू हैव स्पेंड टू वॉचिंग माई वीडियो।